लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं पैकेट वाला दूध तो ये खबर जरूर पढ़े रायपुर। शिव भक्त हमेशा शिव की भक्ति में लीन होते हैं, पर सावन का महीने में शिव की आराधना बहुत ही फलदायक मानी जाती है। सावन के महीने को हिंदुओं में सबसे पवित्र महीना माना गया है। सावन का महीने में सबसे ज्यादा महत्व सोमवार का होता है और इस सोमवार में लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। वैसे तो भगवान शिव फूल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर सावन के वक्त शिव भक्त भगवान महादेव को प्रसन्न करने बहुत से उपाय करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने भक्त उन्हें बेलपत्र, गन्ने का रुपए, दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता, धतूरे का फूल व फल, कनेर का फूल, आंग का फूल, नारियल का पानी, भांग, चीनी आदि चढ़ाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान को चढ़ाए जाने वाली इन सामग्रियों को किस क्रम से अर्पित किया जाना चाहिए और कौन सा दूध भगवान शिव के लिए सबसे उपयुक्त है? शिवलिंग पर दूध का महत्व, भगवान शिव की पूजा करते वक्त उन्हें दूध अर्पित करना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। शिवलिंग पर जैसे जल का अभिषेक किया जाता है, वैसे ही भगवान को दूध अर्पित करना का पूजा की एक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। भगवान शिव को अनिवार्य रूप से दूध अर्पित करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पी लिया था, उसके पश्चात उनके शरीर में विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान को दूध पान कराया गया था। तब से भगवान शिव को दूध अति प्रिय है। भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए पैकेट वाला दूध। आजकल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लोग पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो भूलकर भी महादेव को पैकेट वाले दूध अर्पित न करें। माना जाता है कि भगवान शिव को हमेशा ताजे दूध का ही अर्पण करना चाहिए, ऐसे में पुराना पैकेट वाला दूध चढ़ाना सही नहीं होता। पैकेट वाले दूध को ताजा बनाने के लिए उसमें कई प्रकार के रासायनिक सामग्रियां मिलाई जाती है, जिससे वह दूध भगवान में अर्पित करने लायक नहीं रह जाता। साथ ही भगवान शिव को केवल गाय का दूध ही अर्पित करना चाहिए और यह बात हमारे शास्त्रों ने भी प्रमाणित की है कि महादेव के पूजन के वक्त केवल गाय के ताजे दूध का इस्तेमाल ही होना चाहिए। भगवान शिव के पूजन की विधि अगर आप भी करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न, तो ऐसे करें भगवान का पूजन। सबसे पहले भगवान शिव को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके पश्चात भगवान को ताजा गाय का दूध अर्पित करें। दूध के साथ दही, घी, शहद, नारियल का पानी आदि भी अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें। इसके पश्चात तुलसी का दल, कनेर का फूल, धतूरे का फल व फूल, आंग का फूल, बेल पत्र आदि चढ़ाएं। बेल के पत्र को 6, 11, 21, 51 जैसे अंकों में चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजन के दौरान क्या न करें? पूजा के दौरान भगवान शिव पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी को अन्य पूजन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, पर भोलेनाथ की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा पूजन करते वक्त कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। पूजन के वक्त हमेशा सफेद या हल्के रंग के वस्त्र ही धारण करें।